नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिमांडिंग वीडियो है साथियों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो हमारी एग्जाम होती है SSC की, एक CGL एक CPO। दोस्तों दोनों ही बहुत तगड़ी जॉब होती है अपने आप में और वर्दी वाली जॉब होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों जॉब में से सबसे अच्छा कौन है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दोनों में से आसान कौन है और दोनों की क्या स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए पढ़ाई की या फिर सेम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। दोस्तों उससे पहले जितने भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट मिलते हैं। ऐसे ही कंटेंट मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं साथियों। इसके अलावा जितने भी मेरे भाई फ्रेशर हैं, अभी न्यू है SSC की तैयारी में, आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम कि SSC CGL और CPO दोनों में से ज्यादा ही भौकाल किसका है। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं जो हमारी SSC CGL का एग्जाम होता है दोस्तों, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये होता है आपके ग्रेजुएट होने के बाद, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन अपना पूरा कर लेते हैं तब इसका एग्जाम होता है। वहीं जब आपकी CPO की बात आ जाती है दोस्तों, तो CPO भी ग्रेजुएशन बेस्ड ही एग्जाम है। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, इन हैंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप CPO और CGL दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो आपका समानता है दोनों में यही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर हम पे स्केल की बात करें तो 4600 ग्रेड पे की जॉब भी CGL में मिलती है, लेकिन हमारा जो CPO है वो 4200 ग्रेड पे का है। यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं CGL में जिनका ग्रेड पे जो है आपका CPO के बराबर है, लेकिन जो है कुछ ग्रेड पे ऐसी हैं, कुछ पोस्ट ऐसे हैं CGL में जिनका ग्रेड पे ज्यादा है आपके CPO से, उनका 4600 ग्रेड पे है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जिनका मैथ्स वीक होगा या फिर जो थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर होंगे और वो सोचते होंगे कि हम CGL हमसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उनके लिए CPO एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनके सामने आती है। सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें साथियों, तो CGL और CPO दोनों में टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड दो एग्जाम होते हैं। टीयर फर्स्ट का जो है दोनों का सिलेबस सेम ही है, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। लेकिन CGL में क्वेश्चन 100 आते हैं, 25 GS के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश और 25 मैथ। लेकिन वहीं CPO में नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल हो जाते हैं। CPO में 50 इंग्लिश, 50 GS, 50 रीजनिंग और 50 मैथ, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल हो जाते हैं। दोस्तों CPO का जो पूरा मार्क होता है वो 200 नंबर में होता है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 50-50 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के आते हैं। लेकिन आपकी CGL की अगर बात की जाए तो इसका भी फुल मार्क जो है वो 200 नंबर ही होता है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 GS, 25 इंग्लिश, लेकिन एक क्वेश्चन दो नंबर का, तो इसका पूरा टोटल जो बनता है वो 200 नंबर बनता है साथियों। तो सिलेबस दोनों में सेम ही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन CGL में हाफ हो जाते हैं और आपके CPO में डबल हो जाते हैं। टीयर फर्स्ट की बात रही दोस्तों, टीयर फर्स्ट क्लियर करने के बाद आपका जो टीयर सेकंड होता है वो CGL में कोई फिजिकल नहीं होता, उसमें तुरंत आपका टीयर सेकंड एग्जाम होता है। लेकिन दोस्तों CPO में यही बड़ी बात आ जाती है कि इसमें एक फिजिकल बीच में डाल दिया गया है, जिसमें काफी अच्छी खासी फिजिकल होती है। 1600 मीटर रनिंग होती है 6.5 मिनट में। इसके अलावा आपको शॉर्ट पुट करना होता है, और इसके अलावा एक शॉर्ट रनिंग होती है। इसके अलावा आपको जो है हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। इस वजह से होता क्या है कि जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा 200 में 185-190 तक स्कोर करते हैं, लेकिन वो यहीं पे जाके छड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो फिजिकल का क्राइटेरिया थोड़ा हार्ड पड़ जाता है और जो केवल पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल में ही आउट हो जाते हैं। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है CGL के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। दोस्तों CGL में क्या होता है, कोई फिजिकल नहीं है, तो इसमें सिर्फ पढ़ने पढ़ने वाले ही हैं, जो काफी ज्यादा एज के हैं वो भी इसमें अभी हैं, जो कम एज के हैं वो भी इसे हैं। लेकिन CPO में ये चीजें नहीं होती हैं। CPO में पहली बात आपकी फिजिकल आ जाती है, दूसरी चीज आपकी जो है एज क्राइटेरिया भी थोड़ा सा कम है इसका। तो CPO की अगर बात की जाए, जब टीयर वन का एग्जाम होता है दोस्तों, तो कट ऑफ बहुत कम मिल जाती है, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाती है, क्योंकि उनको पता है अगर हम हाई कट ऑफ ले जाएंगे तो बच्चे ऑलरेडी कम सिलेक्ट होंगे, उसके बाद जब हम फिजिकल रखेंगे उसे बच्चों का जो नंबर है वो और कम हो जाएगा, तो टीयर टू में काफी कम बच्चे रह जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए इसका जो कट ऑफ है टीयर वन का काफी नॉमिनल जाता है, बहुत ज्यादा कम जाता है CGL के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। तो दोस्तों तो CGL कंपेरेटिवली टीयर वन में अगर देखा जाए, और टीयर वन में अगर CGL और CPO को देखा जाए दोस्तों, तो दोनों का लेवल लगभग लगभग सेम ही होता है। लेकिन जब इसमें आपका फिजिकल हो जाता है CPO में, उसके बाद जब टीयर टू में आप जाते हैं साथियों, तो वहां कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाती है चीजें, क्योंकि अगर CGL के टीयर टू की बात की जाए साथियों, तो वहां पर फिर से आपको चारों सब्जेक्ट नए पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर से आपको चारों सब्जेक्ट मिलते हैं
देखने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा, आपको जीएस मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, साथ ही साथ कंप्यूटर भी मिलता है, जिसके बाद इसमें टाइपिंग भी होती है सभी के बाद। लेकिन दोस्तों वहीं जब अगर आप इसका फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं सीबीओ का, तो आपको केवल इंग्लिश का 200 नंबर के एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 200 नंबर पे पेपर होता है और सिर्फ इंग्लिश का ही पेपर होता है दोस्तों सीबीओ। तो अगर ओवरऑल बात की जाए सीबीओ के एग्जाम के दोस्तों, इसमें इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है, जिसमें इंग्लिश के पूरे पूरे अगर कहा जाए तो 250 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन प्री में, 200 क्वेश्चन मेंस में। तो इंग्लिश का जितना वेटेज है दोस्तों, उसमें इंग्लिश का काफी ज्यादा वेटेज है सीबीओ एग्जाम में। लेकिन अगर आपके सीजीएल के एग्जाम की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें भी इंग्लिश का काफी वेटेज है, जिसमें प्री में जो है क्वेश्चन आते हैं आपके 25, जबकि मेंस में 45 क्वेश्चन आते हैं। अब तक जो पुराना आपका पैटर्न था सीजीएल का, उसमें मैथ्स का काफी ज्यादा वेटेज होता था और सीपीओ में इंग्लिश का। लेकिन आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सीपीओ और सीजीएल दोनों में आपके जो है इंग्लिश का ही काफी ज्यादा वेटेज है। लेकिन दोस्तों अगर आसान की बात की जाए साथियों, तो सीपीओ कंपेरेटिवली आसान हो जाता है सीजीएल के, क्योंकि सीजीएल में जो मैथ्स है थोड़ा अच्छे लेवल की पूछी जाती है, लेकिन और टीयर टू में आपके सीपीओ में मैथ्स देखने को ही नहीं मिलता। तो जिन मेरे भाइयों का मैथ्स थोड़ा वीक है, या फिर वो आपका किसी थाने में काम करना चाहते हैं, वर्दी वाला पोस्ट चाहते हैं, क्योंकि सीजीएल में सारी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें आपको वर्दी ही मिल जाएंगे, कुछ लिमिटेड पोस्ट ही ऐसे जिसमें आपको वर्दी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपका जो सीपीओ का एग्जाम है ये वर्दी वाली जॉब है, इसमें आपको अगर सबसे अच्छा आपका रैंक जाता है, सबसे अच्छी आप रैंक लेकर आते हो, अच्छा नंबर स्कोर करते हो, तो आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिलता है, उसके नीचे आपको सीआईएसएफ मिलता है, फिर उसके नीचे सीआरपीएफ मिलता है, और फिर एसएसबी, इस तरीके से आईटीबीपी, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं सभी में आपको मतलब तैनात किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे जो अच्छी जॉब मानी जाती है दिल्ली पुलिस की होती है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी जॉब बेकार है, बीएसएफ की जॉब बेकार है, सीआरपीएफ की, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज्यादा बच्चे उत्सुक होते हैं कि उनको दिल्ली पुलिस में जॉब मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा कुछ बेसिक डिफरेंस। अगर आसान की बात की जाए तो सीपीओ का एग्जाम सीजीएल से कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल जब आ जाता है दोस्तों, तो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब वहीं बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल में वीक होते हैं। लेकिन जब टीयर टू का एग्जाम होता है तो कंपैरेटिवली सीजीएल के अकॉर्डिंग आसान हो जाता है। टीयर वन में दोनों का सिलेबस सेम है, सीजीएल में नंबर ऑफ क्वेश्चन हाफ है, जबकि सीपीओ में नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल हो जाते हैं दोस्तों, सिलेबस दोनों का सेम है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है स्ट्रेटजी की, देखा जाए तो जितने भी मेरे भाई हैं जो भी सीपीओ क्वालिफाई करते हैं, वो कोई अलग स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं, वो सीजीएल वाले स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों, तो दोनों का एग्जाम पैटर्न भी सेम है, केवल टीयर टू थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी टीयर वन का जो पैटर्न है सेम है, सेम सिलेबस है। तो अगर हम सभी थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, थोड़े अप लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई रखेंगे, तो उससे हमारा नंबर काफी ज्यादा इनहेंस होना है। दोस्तों हम सभी जान रहे हैं पहले सीपीओ के एग्जाम में इंटरव्यू भी होता था, लेकिन 2015 के बाद से उसे हटा दिया गया है। तो अब टोटल जो नंबर बनते हैं सीपीओ में 400 नंबर में जो 330 तक अगर स्कोर करता है, उसे दिल्ली पुलिस, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल जाता है साथियों। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि टीयर वन में ही इतने अच्छे मार्क स्कोर कर लिए जाए कि टीयर टू में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि टीयर टू के पहले पहले हमको रनिंग फिजिकल भी अपना अच्छा करना होता है, और फिजिकल भी काफी अच्छे लेवल का होता है साथियों। तो सीपीओ में अगर बात की जाए तो टीयर वन, फिर आपका होगा फिजिकल, उसके बाद फिर टीयर टू, फिर मीट कर, फिर फाइनल आपका ज्वाइनिंग करा दिया गया साथियों। वहीं अगर सीजीएल में बात की जाए साथियों, सबसे पहले टीयर वन होगा, फिर टीयर टू होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी साथियों। पहले सीजीएल में बहुत ज्यादा बवाल होता था, उसमें आपको ऐसे राइटिंग भी करनी होती थी, जिसमें आप कितने भी अच्छे लिख कराओ मार्क्स उतने ही मिलते थे जितना एग्जामिनर चाहता था। लेकिन दोस्तों अब ये चीजें हटा दी गई हैं, काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो दोस्तों ये रहा कुछ बेसिक डिफरेंस। अगर भोकाल की बात की जाए साथियों, तो सीजीएल में कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिनका ग्रेड पे जो है वो आपके सीपीओ के बराबर है, लेकिन कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जिनका ग्रेड पे ज्यादा है, यानी पैसे के मुकाबले में सीजीएल की कुछ पोस्ट ज्यादा भारी पड़ जाती हैं सीपीओ से। लेकिन दोस्तों अगर भोकाल की बात की जाए तो वर्दी जो है सीपीओ के हर एक पोस्ट पे आपको मिलेगी, लेकिन सीजीएल के हर एक पोस्ट पे वर्दी नहीं मिलेगी। अगर आपको वर्दी चाहिए प्लस पिस्टल चाहिए तो वो आपको सीपीओ में ही मिलेगा। और देखा जाए तो दरोगा का वैसे ही बहुत ज्यादा भोकाल हमारे देश में होता है, उत्तर प्रदेश की अगर खासकर बात की जाए तो यहाँ पे दरोगा की जॉब बहुत ही सुप्रीमेसी के साथ देखी जाती है साथियों। दोस्तों ये रहा कुछ बेसिक डिफरेंस। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जितने भी मेरे भाई अगर ये बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि वो किस एग्जाम की तैयारी करें, उनके मैथ्स थोड़े से वीक हैं, या फिर किसी भी थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर है, तो आपके लिए सीपीओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर फिजिकल आपकी अच्छी है तो दोस्तों अभी आप सभी जान रहे हैं कि सीपीओ की नई वैकेंसी आने वाली है, इसके अकॉर्डिंग मैं फिर एक नई वीडियो अपलोड करूंगा कि इसके लिए कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन सी बुक्स इंग्लिश की, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट आते हैं चारों सब्जेक्ट, इसमें 1:1:5 का रेशियो हो जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं
सीपीयू में अगर बात की जाए तो मैथ्स क्या रहे 50 क्वेश्चन, रीजनिंग क्या रहे 50 क्वेश्चन, जीएस क्या रहे 50 क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश के 250 क्वेश्चन आ रहे हैं प्री और मेंस मिला के, तो 1:1:1:5 का रेशियो है, तो इंग्लिश को आपको ज्यादा टाइम देना भी पड़ेगा। दोस्तों मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी है सीपीयू के लिए। और अभी आप सभी जानते हैं कि मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर मैं एक परफेक्ट रिव्यू करता हूं बुक का, ना कोई पेड प्रमोशन, जो आपके लिए ऑथेंटिक चीजें होती है वो मैं आपके लिए शेयर करता हूं। तो दोस्तों ये रहा कुछ बेसिक टिप्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय, और भी जो आपके दोस्त अभी नई तैयारी में आए हों और सीपीयू या सीजीएल के में कंपैरिजन चाहते हो तो आप सभी के पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा। जितने मेरे भाई चैनल पर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट हम मिलते रहते हैं। फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।